चार लोग और। मैम कैन आई स्टार्ट और वेट करना है मुझे? वेट करता हाँ जी सर, स्टार्ट कर दीजिए क्लास। ओके थैंक यू। ठीक है तो राकेश कहाँ गया? राकेश वाला पॉइंट क्लियर हुआ पूरा? हाँ सर। दूसरे पे आए? हाँ। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। सर आप बता रहे थे कि काम एक शो में क्या क्या होता है लास्ट। राइट वो शो पे दूसरे जो टॉक शो है ना उस पे कवर कर दूंगा उसमें आगे मैं। तो पहला पॉइंट बाकी सबको क्लियर है? जितने हैं सबको कोई दिक्कत है? पहले पॉइंट में कोई दिक्कत है? सेकंड पे आऊं? यस सर। ओके तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको अच्छा अब मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ एक रेडियो शो पे होता क्या। ठीक है आप लोग मुझे जब से बताओ जब से एक मैं चार्ट खोलता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग जब से बताओ क्या रेडियो पे सुनते हो तो क्या क्या सुनते हो? सर एक ह्यूमन वॉइस सुनते हैं जो आरजे बोलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, एडवर्टाइज सुनते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है हाँ तो जब आप एक रेडियो स्टेशन पे जब आप एक रेडियो शो सुनते हो तो होता क्या जनरली कि आपको एक डिपेंड करता है कि शो किस टाइम पे हो सकता है। शो मॉर्निंग शो हो सकता है, आफ्टरनून शो हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, रात दिन भर रेडियो चलता है, दिन भर आरजेस आते हैं ना। तो ये समझो कि यदि आपका मॉर्निंग शो है तो मॉर्निंग शो पे क्या लोगे? आप गुड मॉर्निंग में एक बर्थडे विश करोगे, आप ट्रैफिक अपडेट लोगे, जो दिन भर का स्पेशल है आप वो बताओगे, ऐसे होता है ना। आप जब आफ्टरनून शो सुनते हो तो कभी उसमें आपको जो दिन भर की जो चीजें स्टोरीज कुछ कुछ बताई जाती है, कहाँ बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कुछ ऐसे शोज बॉलीवुड स्पेशल में क्या होता है बॉलीवुड के बारे में बताया जाता है। हैप्पी इवनिंग शाम का शो है तो क्या होता है उसके शाम के बारे में बताया जाता है कि आज क्या स्पेशल हुआ दिन भर में, क्या कुछ हैपनिंग जो भी है वो बताते हैं, कुछ मिमिक्री किसी चीज की बताते हैं कि आपके मूड, क्योंकि जनरली आप जब सुबह उठते हो तो सुबह सुबह आपका मूड ऐसा नहीं होता ना कि आप सैड सॉन्ग सुनोगे। आपको दिन अच्छा होता तो आप वेकअप सेट जो अच्छे गाने सुनते हो, आपका मूड दिन का दिन स्टार्ट होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप गाने सुनते हो ना। तो शो में जो आरजेस होते हैं या फिर जो शो बनता है वो उसी अकॉर्डिंग बनता है कि आपको एक शो बनाना है। यदि मुझे मॉर्निंग शो बनाना है तो मैं मॉर्निंग शो पे सबसे पहले क्या बनाऊंगा, सपोज मैं एक घंटे का शो बनाता हूँ मॉर्निंग में, तो सबसे पहले इंट्रो लिंक रखूंगा जो आप आते हैं वेलकम करते हैं। दूसरी लिंक पे आपको यदि शो बनाने को आता है ना एग्जाम पे, तो आप ऐसे ही चार लिंक का शो भी बना सकते हो जिसमें आप पहला लिख दोगे कि इंट्रो लिंक होता है जिसमें वेलकम करते हैं, दूसरा लिंक होता है मॉर्निंग शो पे बर्थडे विश जिसमें आप बर्थडे जिसका बर्थडे होता है उसके बारे में बताते हो, और जो आपके कॉलर्स होते हैं या फिर जो आपके लिसनर्स होते हैं जो बता जिनका बर्थडे पता चलता है आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, उसके बर्थडे विश करते हो। ठीक है तीसरी लिंक पे आप ट्रैफिक अपडेट और स्पेशल ट्रैफिक अपडेट दे सकते हो कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ रास्ते बंद है, कहाँ क्या है, कहाँ पे क्या ज्यादा ट्रैफिक है, ये सब आपको पता चल जाएगा और ये बता सकते हो। और चौथा लिंक आपका जो होता है फोर्थ नंबर का जो ऑन एयर जॉब आप जाओगे तो एक घंटे में वो क्या होगा आप उस पर बोल सकते हो कि आपके जो स्पेशल आपकी सिटी में स्पेशल हो रहा है वो बता सकते हो, है ना। ऐसे करके आपके डिपेंड करता है कि रेडियो स्टेशन पे कि वो एक घंटे में कितनी बार आपके एक आरजे कितनी बार ऑन एयर आता है। किसी के रेडियो मिर्ची में तीन बार आते हैं। हाँ जी सर। एक लिंक कितने सेकंड्स के होने चाहिए मैक्सिमम? जो एक लिंक होता है वो मिनिमम जो आप मिनिमम तो देखो कितना भी करोगे तो 20-25 सेकंड लग जाता है, क्योंकि यदि अभी भी आप काउंट करोगे तो जब मैं बोलूंगा कि व्यूअर 104 एफएम पे या फिर ईआन रेडियो पे करते हैं तो ईआन रेडियो पर मैं हूँ रतिक आपके साथ, शो चल रहा है कूल मॉर्निंग, और कूल मॉर्निंग में हम बहुत सारी बातें करेंगे भाई कि कहाँ क्या चल रहा है। वैसे दिल्ली बहुत सारा बंद है, कुछ कुछ एरिया खोल दिए गए, कहने को तो पूरा बंद नहीं कहेंगे क्योंकि सब कुछ ट्रैफिक चल रहा है, बट हमको एक चीज ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। आप ऐसे ही चीजों को लेके आप गुड मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हो ना। तो एक जो लिंक होता है वो मिनिमम 20-25 सेकंड का होता है, मैक्स टू मैक्स जाता है जो वो 1 मिनट 10 सेकंड 1 मिनट 15 सेकंड जाता है, इसके ऊपर लिंक नहीं जाते हैं, जाने के तो डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट भी जाते हैं, बट जो एक्चुअल टाइम है एक रेडियो एक जॉक टॉक जो कहलाता है वो 1 मिनट के अराउंड कहलाता है, 1 मिनट 1.5 मिनट के अराउंड लिंक होती है, 90 सेकंड के आसपास पहुंचती है। ठीक है yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा था,
कि जब आप हाँ शो बना रहे तो जब शो बनाते हो ना तो उसपे आप चार पांच आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप ले सकते हैं। सीएल भी बनती है सीएल लाइक सीएल को आप और शॉर्ट फॉर्म और अच्छे फॉर्म में बताता हूँ। तो ये कि आपको एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें आपको 12 लिंक्स बनाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले आपका लिंक का अकाउंट हो गया, जॉक टॉक अकाउंट हो गया, उसके बाद जब आप क्या लिखते हो उस पे आप क्या कंटेंट, आप क्या कंटेंट ले रहे हो। सपोज मैंने दी मॉर्निंग शो पे ले रहा हूँ कि लिंक नंबर 4 क्रिकेट अपडेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, और बस इतना मैंने लिख दिया। उसके आगे ब्रीफ करने में मैंने क्या लिख दिया कि क्रिकेट मैच लिख दिया, और आगे वाले पॉइंट में मैं लिख दिया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच। इससे क्या पता चला कि लिंक नंबर 4 पे मैं क्रिकेट की बात करने वाला हूँ और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैच की बात करने। अब समझ में आया सर? तो एक जो शो बनता है 12 लिंक का शो बनता है तो एक शीट तैयार की जाती है जिसमें आपको अपने जॉक टॉक आप क्या है, जैसे टीवी में जाते हैं जो टीवी के होंगे या फिर जो पेपर में होंगे सबको पता होगा, डिविजन में आपने देखा भी होगा, टीवी में जाते हैं तो एक उसकी स्टोरी तैयार की जाती है ना, एक बोर्ड बनता है कि आपको उसमें क्या करना है, आप क्या कंटेंट लेने वाले, भी तो तैयार होता है ना। ऐसा तो नहीं कि अपने मन से जो मन में आया बोल दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे सर टीवी रिपोर्ट करते समय जब हम राइटिंग करते हैं उसके लिए तो हम रिसर्च करते हैं, तो रेडियो में किस टाइप से रिसर्च करते हैं? रेडियो में आप वो रिसर्च करते हो, सपोज मैंने आप कोई भी एक टॉपिक मुझे बताओ मैं उसमें बताऊंगा कैसे रिसर्च करना है। आप लोग कोई भी एक जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच के बारे में हमें बोलना है तो हमें उससे रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। फिर मुझे इंडिया पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड यदि है तो मुझे वो मैच किस मैच के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यदि मैं 2019 के वर्ल्ड कप के मैच की बात करता हूँ तो उसमें फिर मुझे पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी उस मैच की, किसने कितने विकेट लिए थे, किसने रन बनाए थे, किसने सबसे स्पेशल मूवमेंट किया था उस मैच का, और अभी तक इंडिया वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का रिकॉर्ड क्या रहा है, इंडिया कितनी बार जीता है कितनी बार हारा है, लास्ट मैच इंडिया का कब हुआ था, मतलब उसके बारे में जिस टॉपिक में आप बात करो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको डिबेट में वो सारी चीजें बतानी है, ऐसा नहीं है क्योंकि टीवी में तो आप विजुअल दिखा दिखा के आप बता सकते हो, बट आपको यहाँ पे 90 सेकंड मिलता है, एक मिनट के अंदर आप सारी चीजें बताइए जो चीज आपके दिमाग में है आप उससे रिलेट कराना है। मतलब मैं आपसे बोलूंगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2019 बहुत ही जबरदस्त था, रोहित शर्मा उन्होंने 100 बनाया था और रोहित शर्मा से बैट्समैन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में पहला पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप मैच वैसे आपको आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। सर एग्जाम में जब हमें लिखने के लिए बोला जाए कि आप किस टाइप से रिसर्च करोगे, ये तो मैच का इन्फॉर्मेशन हमें प्रोग्राम में देना है लोगों को कैटेगरी वाइज, लेकिन जब हम पेपर देने जाएंगे तो जैसे फॉर्मेटिव रिसर्च की बात करते हैं, हम प्रोसेस रिसर्च की बात करते हैं, तो ये हमें कैसे लिखना होगा एग्जाम में? आपको ऐसे लिखना होगा कि आप एक सर आवाज नहीं आ रही है आवाज में फिर से प्रॉब्लम हो रहा है सर, आवाज सर वो आ रही है नहीं सर, यार ये कैसे होता है? आ रहा सर, सर अब ठीक है। सर फिर से प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ बोलो सर। जैसे हम लोग जैसे राकेश ने पूछा है कि उसको प्रोसेस क्या होगा, तो मैं मेरे को जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, उस मैच का क्या बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद हम उसमें लिखेंगे कि कौन सा बैट्समैन उसमें ऐसा है जो पहले खेल चुका है, अच्छे बना चुका है। आपको फटाफट पहले तो आप अपने माइक म्यूट, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको बनाना, आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो करना आपको ये है कि सबसे पहले आपको स्टेशन का नाम बनाना है, स्टेशन का नाम, शो का नाम बनता है, सपोज रेडियो मिर्ची या ईआन रेडियो लिख दिया, शो का नाम लिख दिया गुड मॉर्निंग, उसके बाद में आपने 1 2 3 लिखा, लिंक नंबर 1 डैश करके आपने लिखा क्रिकेट अपडेट, उसके आगे आपने लिखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, लिंक नंबर 2 बर्थडे विश अमिताभ बच्चन, आगे लिखा अमिताभ बच्चन बर्थडे स्पेशल, नंबर 3 लिंक नंबर 3 हो गया आपका कि कॉलेज अपडेट, एग्जाम डिटेल्स में आपने लिख दिया एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल डेट, लिंक नंबर 4 एक कॉलेज अपडेट और साइन आउट, चार लिंक्स बन गया। उसके बाद आपको उसमें जब आप नीचे लिखोगे तो आपको पहले पैरा में लिखना पड़ेगा रिसर्च,
रिसर्च में आप क्या लिखोगे कि आप किसी भी चीज की रिसर्च कैसे कर रहे हो, मतलब आप यदि किसी का क्रिकेट का लिख रहे हो तो क्रिकेट का आप रिसर्च कैसे कर रहे हो, उसके बारे में आप अपडेट कर रहे हो, उसकी वीडियोस आप देख रहे हो, वीडियोस देखा उसका ऑडियो, आवाज नहीं आ रहा है आपके ठीक से सर, आवाज बीच में कट कट के आ रहा है सर, बीच में पूरा कट गया आपका आवाज। कुछ करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है अभी आ रही है सर, जैसे ही आपका जैक हिलता है ना तो वो साउंड प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी आ रही है सर। ठीक है, तो आपको स्टोरी आप उसमें जब रिसर्च में आप लिखोगे तो रिसर्च में आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि रिसर्च में आप कैसे रिसर्च कर रहे हो, लाइक आप उसको आप उसमें पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो कि आपने इसके स्पेशल मूवमेंट्स कैप्चर किए, कि आपने कुछ वीडियोस में आपने इंटरव्यू सेशन निकाला, उसका मैच के बाद का डिटेल्स निकाली, ये सारी चीजें आपको रिसर्च में आप निकालोगे। उसके बाद में आप लिख रहा सर, मैं जो कह रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट तो हम लिखते हैं, रेडियो में लिखते हैं, टीवी में लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए भी लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं ना जो इसके बारे में हम, फिर जब हम लिख लेते हैं उसके बाद क्या स्टेप उठाते हैं, और सबसे लास्ट में लिखने के बाद हम लोगों को अगर हमें लिखना हो जो हम स्क्रिप्ट लिख चुके हैं और इसके इसमें क्या खामियां रह गई है, तो वो जानने के लिए ये कैसा प्रोसेस होना चाहिए रेडियो में? आपको एक शो बना, एक शो की बात कर रहा हूँ राकेश ना, कि आप शो बना रहे, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हो? सर मैं केवल रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ, रेडियो में रिसर्च जब हम रेडियो रिसर्च की बात कर ना, ये रेडियो अभी तो मैं सिर्फ आपको भी रेडियो शो बनाने की बता रहा हूँ, आप रेडियो रिसर्च अभी टॉपिक आएगा, रिसर्च टॉपिक आएगा, रिसर्च में बताऊंगा रिसर्च कैसे की जाती है, किसी भी शो में रिसर्च कैसे करना है। हेलो सर, तो जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक शो बनाते हैं, तो उससे पहले कुछ रिसर्च तो करनी होती है ना हमें? जब भी आप एक शो बनाओगे तो आप एक जो भी टॉपिक लोगे तो उसके पर चलो रिसर्च, या जब भी रिसर्च बताता हूँ, जब रिसर्च आप करते हो तो रिसर्च करने के लिए आपको आपको ये देखना होता है कि सबसे पहली चीज तो ये कि आप जो टॉपिक ले रहे हो करेक्ट टॉपिक है कि नहीं है, यदि आप पुराना टॉपिक ले रहे हो तो उस पुराने टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें आपको लगता है ये टॉपिक लोग सुनना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, 50 में से आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में हो सकता है सब लोग इंटरेस्ट रख, बट हो सकता है इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे के मैच के बारे में कोई इंटरेस्ट ना रखता हो, तो आपको वो टॉपिक चूज करने होते हैं, राइट, टारगेट ऑडियंस आपको वो चीज लेना पड़ती है जो चीज इंसान सुनना चाहता है। सपोज यदि आप आज बताओगे कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बारे में बताओगे तो इंसान सुनना पसंद करेगा, बट यदि आप ये सोचोगे कि मैं आपको किसी एक्स वाई जेड को स्पिट्स बुला के दो आर्टिस्ट के बारे में दो लोगों के बारे में बताओ या टिकटॉक के किसी के बारे में बताओ, तो हो सकता है आप सुनना पसंद ना करेगा, ऑडियंस सुनना पसंद नहीं करेगी, तो ऑडियंस हम उस टॉपिक को लेते हैं जो चीज सबसे ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है सर। ओके, तो आपको शो समझ में आ गया, शो आपको बनाना होता है तो शो कैसे बनता है, शो की स्क्रिप्ट कैसे डिजाइन की जाती है, आपको समझ में आ गया? यस सर। अब सेकंड पॉइंट पे चलें इस पे हम। यस सर। ओके, तो जॉग एक मुझे बताओ क्या है, आप कौन कौन से इसमें मैंने आपको कुछ कवर कराया था? किसमें सर? 2.2 श्वेता 2.2 पढ़ के बताओ क्या है। सर मेरे पास सिलेबस है नहीं। जिसके पास सिलेबस है, श्रेया सिलेबस है या yes, राकेश sir. बताओ जो बताओ। सिलेबस तो मेरे पास भी है, लेकिन आप लोग मुझे मैं भी उस चीज में डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी मुझे बताओ। सर 2.2 में है टॉक्स और डिस्कशन, इंटरव्यू है, क्यूज है, उसके बाद है स्टोरी, पोएट्री। दो चीज बताओ, पहले टॉक है और डिस्कशन करते हैं, ठीक है? Yes, तो जब एक आरजे टॉक, मैंने आपको बताया कि अभी एक आरजे टॉक जब आप लेते हो किसी भी चीज के, एक शो पे जब एक आरजे बोलता है जो चीज देता है उसके टॉपिक को आपको कैसे डिसाइड करना होता है। सर ये तो हो चुका है लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में कर चुके हैं ना।
सर इसमें न्यूज रील जो है ना वो छूट गया था और बाकी सब मैंने आपको न्यूज रील न्यूज बुलेटिन न्यूज पर बताया था राकेश, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज आपने आज रात को आप 8 बजे आपने रेडियो सुनते हो ना, आज रात को आप आकाशवाणी सुन लेना रात को 8 बजे, उसमें न्यूज बुलेटिन आता है, न्यूज रील आती है और उसमें न्यूज के बारे में डिटेल्स भी बताया जाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उस पर आपको पता चलेगा कि रात को 8 बजे बुलेटिन स्टार्ट करने का चालू कर दिया फॉर्मेट फिर से, जिसमें आपको दिन भर की अपडेट बताई जाती है, दिन भर की न्यूज के बारे में बताया जाता है कि क्या चीज होती है क्या चीज नहीं चले, न्यूज रील यानी किसी चीज के बारे में बेसिकली आपको जो न्यूज आप देखते हो, जो सपोज यदि मोदी जी ने कहा है कि आज रात को 8 बजे से देश बंद होने वाला है तो उसके बाद में हम क्या क्या चीज, सपोज अभी 8 तारीख से जो गाइडलाइंस जारी कर दी है कि आपको होटल्स खुल रहे हैं रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये सब कुछ न्यूज न्यूज बुलेटिन सब कुछ कंप्लीट एक न्यूज के एक आधे पैकेज कर दिया जाता है रेडियो पे, जिसमें आपको सिर्फ उससे न्यूज की और दिन भर की जो अपडेट होती है उसके बारे में बताया जाता है। सब क्लियर है? यस सर। ओवन पत्रकी प्रिया सब क्लियर समझ में आता है? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। रेडियो ब्रिज एंड पीपल्स फोरम। प्रिया मुझे आपकी आवाज से रेडियो पे। रेडियो ब्रिज एंड पीपल्स फोरम। कोई दूसरा मुझे बताएगा कि से पूछ रही है रेडियो ब्रिज पीपल्स फोरम। पीपल्स फोरम। पीपल्स फोरम। आप मुझे इसमें एक टेक्स्ट करने का ऑप्शन आता है, मेरी आवाज दोबारा क्लियर नहीं आ रही मुझे। ये जो सेकंड पॉइंट है मैं बताती हूं। हां बताओ सर। वो ये बोल रही है रेडियो ब्रिज एंड पीपल फोरम। प्रिया वो यूनिट का नंबर बता दे तो इजी हो जाएगा शायद। हेलो। ओके अब मैसेज आ गया थी, जस्ट मैं रिप्लाई कर रहा हूँ उसमें मैसेज आ रहा है। सर 2.5 मतलब देख ही लिया होगा। हाँ मैं भी वही देख रहा था रोडियम फोरम ब्रिज एंड प्रोग्रेस। ओके ऐसे प्रिया ऐसे यूनिट वाइज बताओ ना, मैं भी तो वही चेक कर रहा हूँ कि किस यूनिट का दिया मैंने, तो भी आई गेस ये यहाँ तक पहुंचा नहीं था मैं। ओके तो इसमें बहुत सर 2.2 क्लियर है सबको पहले ये बताओ। ओके 2.5 में पहुंचा। 2.2 क्लियर है? 2.3 यस सर। 2.4 सर इसने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल तो वो हो नहीं सकता ना ऑनलाइन। प्रैक्टिकल तो कहां ही हो सकता है, अभी वैसे रिकॉर्डिंग पे। 2.3 2.4 क्लियर है? यस सर। 2.5 में? यस सर। ओके तो मैंने आपको बताया था क्लास में बताते कि आउटडोर प्रोसेसिंग अभी साउंड आपकी क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग क्लियर आ रहे हैं? कट रही है सर, बहुत ज्यादा फट रही है आपकी आवाज। नहीं यार मैं कुछ मे बी नेक्स्ट टाइम यार आई विल चेक। ठीक है सर। तो यार जो बेसिकली आप ये चीज समझो कि एक जैसे आप रेडियो में एक टीवी में रिपोर्टर होता है, वैसे ही रेडियो पे जो है एक ओपी जॉक होता है जो जिसको आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, जो जाता है लोगों से बात करता है मिलता है उनसे सवाल पूछता है, जो भी एक रिपोर्टिंग का काम होता है यहाँ पे रेडियो पे उसको आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग है।
ठीक है, जो पूरा फील्ड बेस्ड होता है, जो बाहर जाएगा लोगों से बात करता है, जाके लोगों से इन्फॉर्मेशन लेता है, जो भी आपको एक आरजे टॉक जैसे एक एंकर बैठा रहता है और एक रिपोर्टर जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक आरजे बैठा रहता है स्टूडियो पे और रिपोर्टर जाता है बाहर, ठीक है। और एक वॉइस में जैसे एक जो आपका वॉइस मिला है, वॉइस में आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब एक फोन रखते हैं, फोन रखने के बाद में बहुत सारे लोग नंबर पे आता है कि एक वॉइस मैसेज दे रखा है। हाँ जी सर आता है। तो एक जैसे ऐसी वॉइस में वॉइस मैसेज वॉइस मेल होते हैं और एक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप रेडियो देखते हो तो एक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। आप किसी भी एक रेडियो स्टेशन को आप उठा के देखोगे, किसी को भी आप सुनोगे, मेरे को लगता है शायद आप रेडियो स्टेशन जिसने भी सुना होगा, यदि आप सुबह 7 से 7:30 भी आपने सुना होगा तो आपको पता चलेगा उसमें मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन में मॉर्निंग में क्या क्या चीजें अपडेट की जाती है, मॉर्निंग में क्या क्या चीजें बताई जा रही है। आपको मॉर्निंग में सारी चीजें बताई जाती हैं, जो चीज आपको एक लगता है कि वो ट्रैफिक अपडेट आपसे भी ट्रैफिक अपडेट नहीं है, ट्रैफिक अपडेट के साथ साथ आपको जो आज जिम्बर में क्या है, कभी कभी आपको एक वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे जो न्यूज़पेपर में देखते हो तो आपको पूरे 16 पेज के न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं। वो आप टीवी देखते हो सुबह 1 घंटे के न्यूज़ बुलेटिन देखते हो तो आप वो सुबह जो 100 न्यूज़ दिखाता है एक वो इंडिया की दिखाता है, बट जब आप एक रेडियो स्टेशन में देखते हो तो आपको वो सिर्फ उस सिटी के बारे में बताएगा, उस सिटी के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत होती है। लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिटी पे कहाँ पे क्या स्पेशल हो रहा है, या फिर आपकी सिटी पे यदि किसी ने कोई अचीव किया है तो उसके बारे में हम लोगों को भी लेके आते हैं। सपोज यदि आप दिल्ली में हो या फिर मैं अपने जैसे होम टाउन जबलपुर में या फिर कोई चंडीगढ़ में स्पेशल किया है, दिल्ली में हो आप तो दिल्ली में किसी ने क्या स्पेशल कुछ किया है तो आप उसके बारे में तो लाइक आप मॉर्निंग में किसी सिंगर को आप देख के आते हो सुबह कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा यार। मैं तो आई गेस वाईफाई बंद हुआ मेरे यहाँ का, लाइट उस वजह से कम हो रहा है। अभी आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर यार जब मैं पूछता हूँ आ रही तभी बोलते हो, सारे आ रही जब मैं बोलता हूँ तो बात नहीं है। क्या बोल रहा था मैं, कहाँ तक पहुँचा था? अभी ये आप फील्ड में थे सर। तो जब आप शो पे सर आ गए, शो जब आप चलो जब आप एक मॉर्निंग शो पे देखते हो तो आप एक बहुत सारी चीजें ले सकते हो यार शो पे। सिर्फ यदि मैं आप सुनो से पूछूंगा तो आप मुझे बोलोगे कि ट्रैफिक ले लेते हैं, बर्थडे विश कर लेते हैं, बट मेरी अकॉर्डिंग यदि आप एक जॉब के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक आप क्या क्या चीज उसमें आप ले रहे हो कि आप एक अपने जब सपोज अपनी सिटी से मैं जो जो कुछ हो रहा है, चाहे फिर वो एक किसी ने कुछ अचीव किया हो या फिर कोई क्रिकेटर है जो आपकी सिटी से है जिससे बाहर को अचीव करके आया है, मैच खेल के आया, आप उसको अपने शो पे ले सकते हो। आप अपने शो पे वो किसी जो लोकल रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो चीज यदि बहुत इश्यूज बन रहे हैं तो आप उसके बारे में ले सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइक जो आपकी डेली रूटीन से होती है, तो मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन में आप वो सारी चीजें दे सकते हो। समझ रहे हो? हेलो। हाँ जी सर। यस सर। कभी तो एक आध कोई हाँ बोल दिया करो। तो वो म्यूट कर। तो मैम ने म्यूट कर दिया। सर आपने भी म्यूट कर दिया है। सर आपने बाय मिस्टेक म्यूट किया है या?
हेलो सर, कहो सर आप। सर का तो म्यूट आ रहा है, वीडियो भी और ऑडियो भी। हेलो, यस सर, सॉरी भाई कॉल आ गया था। तो हाँ, इसके बाद में आप जो नेक्स्ट पॉइंट किया है इसका सर, फील्ड बेस्ड रेडियो ब्रिज। फील्ड बेस्ड तो मैंने आपको जैसे बताया अभी कि एक आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग में जाते हैं जहाँ पे चीजें बाहर फील्ड पे जाके जो भी चीज की जाती है, चाहे एक आरजे जाता हो चाहे कोई भी जाता, तो एक जो फील्ड पे जो भी काम होता है, फील्ड पे जो भी काम होगा वो भी जॉब करता है जाके, चाहे वो मूवी रिव्यू हो, लोगों से बात करना हो, किसी क्लाइंट के पास जाके उसको रिकॉर्ड करके आना हो, कुछ भी हो। ठीक है, यस सर। और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियो ब्रिजेंट पीपल्स फोरम। तो बेसिकली क्या होता है कि एक रेडियो स्टेशन पे ना आप ये समझे कम्युनिटी भी बनती है कि लाइक आप उसमें क्या सही है क्या गलत है, आप वो समझ लो किसी एक एक, एक इसमें कुछ सपोज आपने देखोगे कि मिर्ची अवार्ड्स भी होते, देखिए आपने। यस सर। इसमें ब्रिजबेन फोरम में क्या होता है कि अवार्ड्स फंक्शंस भी होते हैं और बहुत सारी चीजें आपको लाइक ऐसे अवार्ड फंक्शन दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल शोज डिवाइन किए जाते हैं जो एक किसी एक फंक्शन के साथ में बनाए जाते हैं जिसमें, और इसमें बेसिकली एक फंडा ये होता है कि एक कम्युनिटी बनती है, लाइक जैसे रेडियो पे क्या सही है बोलते ना कि बहुत सारी, जरूरी नहीं है कि जो एक रेडियो स्टेशन पे 100% सब चीज सही होती है ना, हो सकता है कोई ऐसी भी जो कि जिसमें आपको जस्ट प्लीज होल्ड ऑन। तो बेसिकली आप इस चीज को समझो कि एक कम्युनिटी होती है जिसमें आपको हमें रेडियो पे भी ध्यान रखा जाता है कि वो क्या सही है क्या गलत है, कितनी चीजें जा रही हैं, कितनी चीजें, हो सकता है कोई चीज बहुत अच्छी हो सकता है कि नहीं ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आ रही हो, कुछ कंप्लेंट्स भी होती है। तो एक हम एक बेसिकली एक, एक, एक वो बनाया जाता है, उसको हिंदी में कहते हैं ना एक चर्चा होती है जिसमें लाइक यानी कि चार लोग बैठते हैं उस चीज में डिस्कस करते हैं बैठ के, तो ऐसे ही हम एक कम्युनिटी भी डिसाइड बनाई जाती है जिसके जिसमें लोग बैठते हैं उसमें जाके चीजें डिस्कस की जाती हैं। फिर अवार्ड फंक्शंस होते हैं, अवार्ड फंक्शंस में भी आप देखते हो जब मिर्ची अवार्ड्स होते हैं या फिर एसटी अवार्ड्स होते हैं, रेडियो अवार्ड्स जो होते हैं जिसमें जाते हैं, तो उसमें जाके लोगों को बताया जाता है कि जब उसमें जो डायरेक्टर्स आते हैं जो रेडियो के बेसिकली लोग आते हैं उसमें हम ये डिसाइड किया जाता है कि यार हम ये एजेंडे पे काम करेंगे और फिर इस एजेंडे पे इस चीज हमने सुधार किया है, क्योंकि जो भी चीज आप कर रहे हो जरूरी नहीं कि कंप्लेंट्स भी होती है, चीज आप एजेंडा चला रहे हो सकता है कि श्रेया को पसंद आ रहा हो बट हो सकता है कि वो करनाल को पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, यस सर। सर बीच में समझ नहीं आया, आपकी आवाज कट गया था। सर आवाज नहीं आई। मतलब ये कि आप ऐसे समझो कि एक कम्युनिटी बनाई जाती है जो डिसाइड जो जिसमें बहुत सारी जो जैसे सपोज जो कंप्लेंट बॉक्स भी होता है जिसमें लोग बोलते हैं कि नहीं ये इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज नहीं चलाना चाहिए था, एक समझ रहे हो, चार लोग बैठ के जो डिसीजन लेते हैं, एक कमेटी बनती है जिसमें चार लोग डिसीजन लेते हैं, चार लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं बैठ के क्या सही है क्या नहीं है। जो पीपल्स फोरम है उसमें क्या होता है कि लाइक आप जैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं, मिर्ची अवार्ड्स होते हैं, रेड एफएम अवार्ड्स होते हैं, हीरो अवार्ड्स होते हैं, हम लोग के जो अवार्ड फंक्शन होते हैं यहाँ पे रेडियो स्टेशन के अवार्ड फंक्शन में क्या होता है, आप जब वहां पे आपको पता चलता है कि इसने नंबर वन शो पे है या फिर इसने ये चीज किया अचीव किया है, साथ साथ में क्या होता है कि आपको वहां पे वो इन्फॉर्मेशन भी हम लोग शेयर, वहां पे जो सीनियर्स होते हैं वो ये चीज डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीज करना है, इसमें हमको क्या चीज में ब्रेक देना है, कि इसमें हमको क्या चीज, जो कमेटी होती है कमेटी डिसाइड करती है कि ये चीज हमको गलत है हमको इस पर रोकना चाहिए। तो एक बेसिकली एक कमेटी बनाई जाती है जो चीज सारे रेडियो स्टेशन पे ध्यान रखती है कि हम क्या यूज कर रहे हैं क्या, एक तो होता है जो गवर्नमेंट तो देखती है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि हम क्या चीज चला रहे हैं क्या चीज नहीं कर रहे हैं, बट एक टीम भी होती है जो इस पे डिस्कस करती है क्या टॉपिक सही है क्या टॉपिक नहीं है, इन्होंने किस चीज पे, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन पे केस कभी कभी कोई केस भी कर सकता है ना,
सपोज मैंने किसी पॉलिटिक्स पे बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया, तो मेरे ऊपर भी केस हो सकता है ना। फिर सब चीजों का ध्यान रखने के लिए एक चीज बनाई जाती है। जैसे अभी हम लोग राकेश एक बार मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दो, फिर बोला अपने क्वेश्चन रखे रहो, एक बार मुझे कंप्लीट कर लेना। ओके सर। तो और आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोग अभी एक साथ कर लेना, क्योंकि जब सेशन आउट होगा उसके 10 मिनट पहले स्टूडेंट के जो भी डाउट्स है वो सारे चीज क्लियर कर लेंगे। तो लाइक आप जब भी एक स्टेशन पे, आप जरूरी नहीं है कि आप तो 100% सब कुछ चेक होके होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कमेटी बनाई जाती है जो डिसाइड करती है, उस चीजों पे ध्यान रखती है, जो चीज आप कर रहे हो उस पे फोकस रखती है पूरे टाइम पे। जो एक फिर जो एक इसके साथ साथ लोगों एक एक मन शेयर होता है, लाइक जैसे एक स्टेज शेयर किया जाता है किसी अवार्ड फंक्शन के थ्रू शेयर किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे आपको जो हमारे टॉप लेवल्स होते हैं वो डिस्कस करके बताते हैं कि इसमें आज हम ये चीजें चेंज कर रहे हैं और हम ये नया लेके आ रहे हैं, हमने पिछले एक साल में ये चीज नया किया और हम उस पे और अब क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी वो अवार्ड फंक्शन से सारी चीजों में बताई जाती है। आई गेस अब समझ में आ गया सबको। अब एक एक करके जो डाउट्स हैं जिसको पूरे 5 पॉइंट्स में वो मुझे पूछ सकता है। सर ये तो जैसे ब्रीफ में हमें समझ में आ गया कि ये सब क्राइटेरिया होता है, ऐसे हमें प्रोग्राम बनाना है रेडियो में, लेकिन सर जब हम पेपर देने जाएंगे, आपके पास आप तो रेडियो में है तो वहाँ स्क्रिप्ट तो होगा इस सब का, जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम का, स्पोर्ट्स का, साइंस का, तो इससे रिगार्डिंग अगर हमारे पास आ जाता एक दो फॉर्मेट तो हमें लिखने में, पेपर लिखने में आसानी होती। गाइज आप लोग मुझे लगता है कि बाकी किसी को इस चीज में इसको समझना है, डाउट है कि नहीं है? राकेश एक छोटी सी चीज ये है कि आपको एक शो स्क्रिप्ट लिखना है, आप एक रेडियो पे, आप रेडियो पे शो स्क्रिप्ट, रेडियो पे आप जब आप रेडियो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आप मॉर्निंग शो पे, यदि आप बर्थडे विश कर रहे हो कि आप मॉर्निंग शो पे आलिया भट्ट को लेके आ रहे हो, कि आप सचिन तेंदुलकर को लेके आ रहे हो, कि आप एजुकेशन का शो बना रहे हो, कि आप वुमेन्स पे बना रहे हो, कि चिल्ड्रंस पे बना रहे हो, किसी चीज पे बना रहे हो, आपको एक जॉक टॉक जो होता है, जब आप एक जो बनाता है जॉक टॉक में क्या लिखना होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से लास्ट 1.5 घंटे से अभी आपको यही समझा रहा था कि आपको स्क्रिप्टिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। इसमें आपको लिखा हुआ है कि वुमेन्स है, लेकिन आपको मैंने आपको कंटेंट तो बता दिया कि आपको अपने शो का नाम लिखना है कि यान रेडियो पर मैं हूँ राकेश आपके साथ, या फिर यान रेडियो पर मैं हूँ श्रेया आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, और आज हम यहाँ पे बात करेंगे वुमेन्स डे पे या चिल्ड्रंस डे पे। वो तो हमने डिवीजन में भी करा है, वो तो समझ में आता है, ये सारा कुछ समझ में आ गया, लेकिन हम वो बोल रहे हैं ना, अगर अभी हो रहा है रेडियो में, रेडियो फीवर में या मिर्ची में, तो जो स्क्रिप्ट वहां पे है कैसे प्रैक्टिकली वो लोग वर्क कर रहे हैं, वो चीज हमारे पास, जैसे आप चीज समझ रहे हो राकेश वैसे ही हम लोग करते हैं, हमारे पास भी जो स्क्रिप्ट आती है वो हम खुद लिखते हैं अपने शो के डिजाइन करने के लिए बनाते हैं। यदि श्रेया मॉर्निंग शो करेगी तो श्रेया को मॉर्निंग शो करने के लिए उसको अपना कंटेंट खुद ढूंढना पड़ेगा, कुणाल यदि आफ्टरनून शो करेगा तो उसको अपना टॉपिक खुद ढूंढना पड़ेगा, उसको अपना कॉन्सेप्ट खुद बनाना पड़ेगा। यदि आप फीवर या किसी भी रेडियो स्टेशन पर आप काम करते हो तो आपको अपना कॉन्टेंट, अपना अपना टॉपिक, चिल्ड्रंस डे हो, सीनियर सिटीजन हो, आपको सीनियर सिटीजन की एक 4 लोग लाइन पे मुझे दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, कुणाल दिख रही है, श्रेया दिख रहा है, कुणाल दिख रहा है, श्रेया दिख रही है, राकेश दिख रहा है। यदि चारों अलग अलग रेडियो स्टेशन पे काम करते हैं और चारों को मैं बोलता हूँ चारों को सीनियर सिटीजन पे काम करना है, चारों को मॉर्निंग शो पे मॉर्निंग शो बनाना है, तो मैं श्रेया से भी पूछूंगा कि श्रेया मॉर्निंग शो पे क्या कर रही है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि श्रेया मॉर्निंग शो पे क्या करती है, उससे हम हटके क्या बना सकते हैं। तो आपको ये जो भी टॉपिक है इस पे आपको आपको खुद अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। एक मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको चिल्ड्रंस डे पे 14 तारीख को आप ये 3-4 एक्टिविटीज कर सकते हो, बट आपको ऐसे ही अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज करते हैं। सीनियर सिटीजन की बात करता हूँ तो उनके लिए हम एक स्पेशल किसी भजन का शो रख सकते हैं, हम एक स्पेशल किसी एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हैं जो आने वाले टाइम की हो, हम किसी बैंक सेक्टर के बारे में बता सकते हैं कि आप सीनियर सिटीजन को कहाँ इन्वेस्ट, ऐसे ही आपको थॉट्स निकालने पड़ेंगे खुद, आपको सोचना पड़ेगा, आपको रेडियो सुनना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट आप इतना डिटेल्स में, आप यदि डिटेल्स में जाना अच्छी बात है, बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो यूथ का शो है, क्रिकेट का शो है, तो उसमें हमको क्या क्या चीज ले सकते हैं। आपको हर स्टेशन की पॉलिसी अलग होती है, हर स्टेशन का, हर जॉक का, हर जितने भी सबका अपना सोचना, अपना क्रिएटिविटी अलग होती है, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से लिंक्स बनानी पड़ेगी।
सर मैं वही पूछ रहा था, फॉर्मेट स्टाइल हमारे पास क्रिएटिविटी है, हम नया नया फॉर्मेट स्टाइल मैं आपको मैंने बताया कि आपको अभी मैंने आई गेस मैंने आपको सबको बताया अभी कि आपको एक सबसे पहले लिंक्स का बनाना है, फिर आपको टॉपिक क्या ले रहे हो, फिर डिटेल्स क्या है, आपके चार कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर लिंक नंबर वन करके लिखना पड़ेगा, साउंड इफेक्ट वगैरह डाल के। तो सर एक ही फॉर्मेट होता है रेडियो में राकेश, जिस पे हम अभी करेंगे आई गेस मुझे लगता है कि मैं आपसे इसमें पर्सनल डिस्कस कर लूंगा, मुझे लगता है बहुत सारे और सवाल होंगे जो लोग बाकी लोग बैठे हुए हैं, इसमें मैं आपको और क्लियर करूंगा। आई गेस किसी और के कुछ सवाल हैं, किसी को और कुछ को पूछना है? सर जैसे आप स्टार्टिंग में मतलब पूछ रहे थे ना ऐसे क्वेश्चन देख के करके, तो वो काफी ऐसा लग रहा था कि अच्छा था कि समझ में भी आ जाएगा, तो अगर आप हमसे एक एक करके ऐसे क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो वो काफी सेटिस्फाइंग सा हो जाएगा कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तो बस ये कहना था। लाइक मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स पूछते चलूं ऐसा? यस सर, बट आई थिंक अभी एंड होने वाली है जूम कॉल, मतलब अगर आपको वहां पे टाइम शो हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हो सर सबसे, मतलब किसी को अगर कोई इशू ना हो इस चीज से। तो किसी को कुछ डाउट है जो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें कुछ डाउट है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? कुणाल, श्रेया, सावन, तनुश्री, आमिर, साक्षी, जब ब्रीफ में पढ़ेंगे तो सर जो डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, हाँ सर। और कोई? नेक्स्ट में आकृति, श्वेता, गोविंद, दिव्यानी? नो सर। No, sir. Okay, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। राकेश अब आप बताओ, आपका जो सवाल था ना मैं आपको समझ चुका हूँ, मुझे अलग से पूछ लेना, मैं आपको अलग से फिर से बता दूंगा, जिसको जो डाउट है मेरे से आप कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको 24 आवर्स कभी भी एक्टिव हूँ, हमेशा बता दूंगा। राकेश एक फॉर्मेट जो होता है बेटा, ये चीज समझो कि एक रेडियो स्टेशन पे ना एक हर एक जॉब का हर एक प्रोग्रामिंग एक फॉर्मेट, हर एक शो का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आपको ये समझना है कि आपको कैसे उस शो को डिजाइन करना है। मुझे लगता है कि आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राकेश है भी कि चला गया है? प्रिया आपको कुछ डाउट है? सर राकेश है। राकेश है। हेलो राकेश सर, वो तो समझ में आया आपने जो कुछ भी बताया। मैं जो रीजन मेरा था पूछने का वो वॉइस मेल वगैरह, जैसे अभी हमें समझ में आया ये भी एक फॉर्मेट होता है, इससे हम रेडियो चलाते हैं, इस पे प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन ये वॉइस मेल आखिर होता कैसे है? अभी तो हमें रेडियो लैब तो जा नहीं सकते, हम किसी सेंटर तो जा नहीं सकते, पता कैसे चलेगा, वो चीज मैं पूछ रहा था। देखो ऐसे समझो राकेश उस चीज को कि आप चाह रहे हो बेसिकली आपको स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग कैसे होती है, आप ये स्क्रिप्टिंग कैसे होती है आप ये समझना चाह रहे हो, शो डिजाइन कैसे होता है ये चीज समझना है। यस सर, यही चीज है ना, शो डिजाइन कैसे होता है। आप जो ऑन एयर जाते हो उसके सर डिजाइन, ये चीज आप जानना चाहते हो? बिल्कुल सर। देखो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई गेस टाइम ओवर होने वाला है, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जा नहीं रहा हूँ, इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज स्टार्ट करूंगा दूसरा यूनिट तो वो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा। तो राकेश आप इस चीज को समझो कि हर रेडियो स्टेशन पे हर जॉब हर शो का प्रोग्रामिंग अलग होता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग पे जाओगे आप हर जगह पे आपको अलग प्रोग्रामिंग मिलेगी। आपको प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले कोई भी एक शो बनाने के लिए राकेश आरजे राकेश को शो करना है तो सबसे पहले उसको ये देखना पड़ेगा वो किस टाइम